नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कोरोना का प्रकोप अभी थमा नहीं है। वैक्सीन की बात भले की जा रही हो, वैक्सीन को लेकर भले कहा जा रहा हो कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोरोना से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस तो अभी भी लेने हैं। जी हाँ, प्रिकॉशंस अभी भी लेने हैं, क्योंकि भले ही वैक्सीन आने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन वैक्सीन आपको अभी तक लगी नहीं है। और अब ऐसे में कई जगह ऐसी भी है जहां कोरोना एक बार फिर उसी तीव्रता के साथ पैर पसार रहा है। जी हाँ, ब्रिटेन में कोरोना के एक नए प्रकार के स्ट्रेन का पता चला है, जिसका जैसे ही ऐलान किया गया वैसे ही ब्रिटेन के लोग इसे लेकर सावधानी बरतने लगे हैं। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, जबकि जर्मनी अब उड़ानों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है, ताकि इसका प्रकोप पूरे यूरोप में ना फैल सके। नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने दक्षिण इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ये रोक कम से कम इस साल तक जारी रहेगी। नीदरलैंड्स ने कहा है कि वो ब्रिटेन से वायरस के इस नए स्ट्रेन को आने से रोकने के लिए यूरोपीय संघ के अन्य देशों के साथ विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा करेगा। बेल्जियम ने मध्यरात्रि से ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर फिलहाल 24 घंटों के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा को भी स्थगित कर दिया है। जर्मनी के अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटेन से आने वाले विमानों को लेकर गंभीर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य तीनों देशों की सरकारों की तरफ से कहा गया है कि वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लंदन और आसपास के इलाकों के लिए शनिवार को उठाए गए सख्त कदम के मद्देनजर ये फैसला कर रही हैं। बोरिस जॉनसन ने चौथी श्रेणी की लॉकडाउन गाइडलाइंस को अभी हाल ही में लागू किया है और कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है, जो पूर्व के वायरस के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है और लंदन और दक्षिण इंग्लैंड में तेजी से संक्रमण फैला सकता है। संक्रमण की दर बढ़ने को लेकर रविवार से सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा कि एहतियातन 24 घंटे का उड़ान प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है, जो मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। वायरस के इस नए प्रकार को लेकर कई सवाल हैं, हालांकि मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जरूर जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इस नए तरह के वायरस से सतर्क कर दिया गया है। फिलहाल इस नए वायरस पर स्टडी की जा रही है। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर क्रिस विट्टी ने कहा कि वर्तमान में इस बात को साबित करने वाला कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि वायरस का नया प्रकार अधिक घातक है, और इस नए तरह के वायरस का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि इन जगहों पर क्रिसमस फीका हो गया है। क्रिसमस के समय में जब यहाँ सबसे ज्यादा रौनक दिखाई देती थी, वहीं अब प्रतिबंधों के चलते ये अब निराशा से भर गया है। हालांकि क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर के दिन सिर्फ 3 परिवारों को एक साथ पार्टी करने की छूट दी जाएगी। वहीं ब्रिटेन के बाद अब भारत पर भी इस नए स्ट्रेन को लेकर दबाव बढ़ गया है। ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन को भारत में आने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की जा रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले पर ट्वीट किया है, लिखा है, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल ही यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी मामले को लेकर कहा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की नई स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है, भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यूके अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट्स तुरंत बंद करनी चाहिए। सीएम गहलोत आगे लिखते हैं, भारत को अन्य देशों के साथ भी किसी तरह के मूवमेंट पर सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही अगर वायरस के नए स्ट्रेन का कोई मामला आता है तो मेडिकल एक्सपर्ट्स को तैयार रहना चाहिए। और अब बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से फ्लाइट्स के आवागमन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इस नए तरह के वायरस की स्टडी से क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। दुनिया के अन्य देशों को भी क्या इस नए तरह के वायरस से डरने की जरूरत है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।